दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मेरा जो YouTube चैनल है, दूसरा YouTube चैनल है, उसके इम्प्रेशन काफ़ी बड़े हैं। और YouTube चैनल वो कैसे मतलब ग्रो करना है, आपको अपना YouTube चैनल कैसे ग्रो करना है, तो कुछ टिप्स मुझे उसकी सहायता से मिली है, तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वो टिप्स आप ध्यान से सुनिएगा, और वाकई में काम कर दिया है, क्योंकि मैंने खुद उन टिप्स को यूज़ करके देखा है, और आपका चैनल रियली में ग्रो होगा दोस्तों, मैं इस बात की आपकी गारंटी देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो अकाउंट में जा चुका हूँ, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो में जा चुका हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है बावरा 420। यहाँ पर देखो, मेरे लास्ट 28 डेज में दिखा रहा है 3000 से भी ज़्यादा व्यू, और सब्सक्राइबर चेन 37 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे सामने ना मतलब पूरे चैनल के जितना भी एनालिटिकल है वो सब आ चुका है। सबसे ऊपर ये कीटले की चिल्ली पार्ट 1 जो चल रही है, अगर अभी तक नहीं देखी ना तो आई बटन पे क्लिक करके देखो, और बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सब कुछ दिखा रहा है, टॉप वीडियोस वगैरह, ये इस तरीके की चीज़ें। और रीच में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 11000 से ऊपर रीच मेरी आ रही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा एरो ऊपर आ रहा है। क्लिक इंप्रेशन थ्रो रेट भी 5.1% है। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग ब्रॉज फीचर और चैनल पेजेस वगैरह, इनसे हमारा मतलब ट्रैफिक सोर्स है। और मैं आपको दिखा रहता हूँ ऑडियंस में, तो मेल फीमेल आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कितना ज़्यादा है, और एज भी सभी एज में यहाँ पे परसेंटेज बढ़ी हुई दिखा रहा है। और टॉप ज्योग्राफीज इंडिया दिखा रहा है, और वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स ये आप यहाँ पे इजीली देख भी सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सब जो भी हुआ ना, ये सब इस वीडियो की वजह से हुआ है। ये जो हमने वीडियो बनाई ना कॉमेडी वाली, टीटले की चिल्ली वाली, ये वाली इस वीडियो की वजह से हुआ है। मैं आपको इसके भी एनालिटिकल एक बार दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो, इसके रियल टाइम व्यू 35 है, और रीच इसके भी 1286 है, और 13.9% इसका क्लिक परसेंट थ्रो रेट चल रहा है, यानी कि काफ़ी चल रहा है। अभी इसका 13% के आसपास चल रहा है ना, और 1200 भी रीच है, तो यानी कि अभी 1000 इंप्रेशन और पड़ेंगे, यूट्यूब अभी 1000 इंप्रेशन इसको और देगी। और इसके आप देख सकते हैं ऑडियंस वगैरह भी इस तरीके से अभी यहाँ पर आ चुका है, और जब इसको थोड़े और दिन हो जाएंगे तो इसमें काफ़ी मात्रा में रीच इसकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब ये रीच आपको बढ़ानी कैसे है, वो आप टिप्स आप सुन लीजिए, बट प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करना, वो टिप्स आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो भाई, यहाँ पे आप टिप्स ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपने चैनल पर वीडियो डालते हो ना, तो उसको आप शेयर करोगे, ठीक है। जस्ट एकदम शेयर नहीं करनी, आपको 3 घंटे बाद करनी है। 3 घंटे बाद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे के बाद जो है आपका जो वीडियो है उसके जितना भी एनालिटिकल है, जो भी उस पर व्यूज़ आए हैं, जो भी उस पर वॉच टाइम है, वो यूट्यूब स्टूडियो में इजीली आ जाता है, सभी को ये बात पता होगी, ठीक है। और 3 घंटे बाद जब आप अपनी वीडियो को शेयर करना शुरू करते हो, तो वो ऐसे बंदों को शेयर करो दोस्तों जो देख सकते हो, मतलब कि जो आपकी वीडियो को लाइक भी करें और जो देखें। अब आप ये कहोगे कि भाई, ऐसा तो कोई बंदा है नहीं जो वीडियो देखेगा, केवल लाइक करके चला जाएगा। तो गाइस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो शेयर मत करो। फिर आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पर अलग से वीडियो शेयर करोगे, मतलब एनीबॉडी किसी को भी शेयर कर दो। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बंदे ऐसे नहीं है भाई, 10 बंदे 12 बंदे तो ऐसे इजीली जरूर होंगे जो शेयर करते हैं या फिर आपकी वीडियो को देखते हैं। तो पहला काम तो दोस्तों ये है। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपने वीडियो डाली है, आप अपने सभी रिलेटिव्स में शेयर करोगे। जितना ज़्यादा शेयर कर लोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। शेयर करने से क्या होगा भाई, आपकी कॉमेडी वीडियो है, और ज़्यादातर दोस्तों देखो, ज़्यादातर ना कॉमेडी वीडियो सब बंदे देखते ही हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, मेरे दूसरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, 1000 से ऊपर हैं, तो उसमें से 66% से ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जो कॉमेडी को पसंद करते हैं। और आई होप दोस्तों, सभी बंदे लगभग कॉमेडी पसंद करते ही हैं, तो ईजीली सभी बंदे आपकी वीडियो मैं मानता हूँ देख ही लेंगे, चाहे भले ही थोड़े कम देखें, लेकिन देख लेंगे। बट उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो इंप्रेशन है ना उस वीडियो के, वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, और इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे कि YouTube आपकी वीडियो को मतलब थोड़ा टॉप पे पहुँचा देगा, जो भी आपकी पिछली वीडियो थी उनसे ज़्यादा टॉप पे पहुँचा देगा। और जब आपके इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेंगे, तो आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और एक बात और आपको बता दूं, जो मेन होती है दोस्तों, वॉच टाइम सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि वॉच टाइम जितना ज़्यादा आपकी वीडियो पर चल रहा है ना, जितना ज़्यादा आएगा तो उसके इंप्रेशन उतने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यूट्यूब को ये लगने लगता है कि भाई, इस बंदे की वीडियो में कुछ खास है, इस बंदे की वीडियो पर सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार वो वीडियो क्लिक हो रही है, तो उसके इंप्रेशन उसको बढ़ाने चाहिए। तो YouTube का भी फायदा होता है और इसमें आपका भी फायदा होता है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी बस शेयर करो वीडियो को, और अपनी वीडियो को थोड़ा ऐसा बनाओ
मतलब कॉमेडी टाइप में, अगर कॉमेडी वाला चैनल है तो ऐसा बनाओ कि भाई बंदा अगर देखे तो उस पर से हटे ना। और हाँ एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा रखना ड्यूरेशन ना कॉमेडी वाली वीडियो के हमेशा छोटी रखो। हमारे पहले पार्ट की ड्यूरेशन आप देख सकते हो मात्र 2 मिनट 24 सेकंड तक है। 2 मिनट का पार्ट बंदा इजीली देख लेता है, और इससे अगले आने वाला पार्ट लगभग 5 मिनट है। आप 6 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन मत रखना, क्योंकि 6 मिनट से ज़्यादा कोई यार देखता नहीं है। इतना ज़्यादा बंदे वीडियो को देखते नहीं है, स्किप करके चले जाते हैं, चाहे आप उसमें कितनी भी कॉमेडी करते रहो। दोस्तों प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, और ध्यान रखते हुए आपके इंप्रेशन भी बढ़ जाएंगे, आपकी रीच भी बढ़ जाएगी, और आपके सब्सक्राइबर वॉच टाइम वगैरह सब कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है।